वीडियो के अंदर हम आपका फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर आपका डील करेंगे जो जिसका नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को आपका समझेंगे। वो आपके जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं वो आपके कौन कौन से हैं वो आपका अब हम लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर हम बात करें बेटा केमिकल रिएक्शन की, तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन को हम अगर स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको स्टडी करने के हमारे पास दो एस्पेक्ट होते हैं। वो कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं? पहला तो होता है थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट और दूसरा होता है आपका काइनेटिक्स वाला एस्पेक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट के अंदर हम आपका क्या स्टडी करते हैं? हम ये स्टडी करते हैं कि क्या वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फिर फिजिबल है कि नहीं आपकी। यानी कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की जब फिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब हम ये बात करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस केमिकल रिएक्शन के कौन से एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ? मैं उस केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स वाले एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। और हम अच्छे से जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जिन केमिकल रिएक्शंस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो केमिकल रिएक्शंस आपकी फिजिबल और यू कैन से स्पॉन्टेनियस होती है, और जिनके लिए आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वो रिएक्शन आपकी फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम स्पॉन्टेनिटी के बारे में जो हम आपका केमिकल रिएक्शन की डील करते हैं, वो हम आपका डील करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स वाले एस्पेक्ट में। दूसरा जो हम आपकी चीज आपकी स्टडी करते हैं आपके थर्मोडायनेमिक्स वाले एस्पेक्ट के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन के, वो है आपका एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि जब मेरा कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपका अटेन कर लेता है आपका, तो उस पॉइंट पर आपके प्रोडक्ट्स आपके ज्यादा प्रेजेंट है या कम प्रेजेंट है आपके। अगर प्रोडक्ट मेरे ज्यादा प्रेजेंट है तो मैं कहूंगी कि मेरा रिएक्शन का एक्सटेंट क्या था? ज्यादा था, तभी मेरा काफी सारे रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया है। और अगर मैं कहूं आपका कि मेरा जब इक्विलिब्रियम आ गया है उस पॉइंट पर आपके प्रोडक्ट्स कम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन कम है, यानी कि बहुत ही कम रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं जब आपका इक्विलिब्रियम आ गया है। तो यानी कि जब मेरा इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी कि एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम अगर आपके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो मैं कहूंगी उस रिएक्शन का एक्सटेंट ज्यादा है। और अगर एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम है, तो मैं कहूंगी कि एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन आपका क्या है? कम है। तो ये एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हमें किस चीज से पता लगता है? ये एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन हमें पता लगता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो आपका क्या है? ज्यादा है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब एक्सटेंट आपका रिएक्शन का कम है। तो चाहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो, चाहे डेल्टा जी यानी कि फिजिबिलिटी की बात हो, तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपके किसके अंदर आते हैं? आपके किसी भी रिएक्शन के थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट के अंदर आते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हम आपके कंसीडर करते हैं, वो हम किसी भी रिएक्शन के थर्मोडायनेमिकल पार्ट के अंदर आपका कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स वाले पार्ट के अंदर हम आपका क्या कंसीडर करते हैं? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स वाले पार्ट के अंदर हम आपका कंसीडर करते हैं उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड और उस केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक्स के अंदर हम किसी भी रिएक्शन के काइनेटिक्स वाले एस्पेक्ट के अंदर हम आपके दो चीजें स्टडी करते हैं। कौन कौन सी? एक तो उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड यानी कि रेट, और दूसरा उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन को अगर मुझे काइनेटिक्स वाले एस्पेक्ट से स्टडी करना है, तो उसको स्टडी करने के दो लेवल हो गए आपके। एक लेवल तो ये हो गया जिसके अंदर हम आपका उस केमिकल रिएक्शन को मैक्रोस्कोपिक लेवल से स्टडी कर रहे हैं, और एक लेवल हो गया जिसके अंदर मैं उस केमिकल रिएक्शन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी कर रही हूँ। किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने का मतलब होता है कि मैं उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में स्टडी कर रही हूँ, यानी कि मैं उस केमिकल रिएक्शन की रेट के बारे में
स्टडी कर रही हूँ, यानी कि मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी केमिकल रिएक्शन फास्ट रेट से हो रही है यानी कि फास्ट स्पीड से हो रही है या फिर स्लो स्पीड से हो रही है यानी कि स्लो रेट से हो रही है आपकी, ठीक है। और जब भी मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स वाले एस्पेक्ट के अंदर उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल को अगर मैं स्टडी करूंगी, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टडी करने का मतलब ये है कि मैं उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को आपका क्या करूंगी, स्टडी करूंगी। और मैकेनिज्म को स्टडी करने का मतलब ये है कि मैं ये स्टडी करूंगी कि जो मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन क्या है और उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या है एट द टाइम ऑफ कोलिशन, यानी कि कोलिशन के टाइम पर मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की क्या ओरिएंटेशन है और क्या मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, वो हम आपका किसके अंदर आपका डील करते हैं, हम मैकेनिज्म वाले पार्ट के अंदर आपका डील करते हैं, जो कि मेरा माइक्रोस्कोपिक लेवल है आपका केमिकल, जो कि मेरा माइक्रोस्कोपिक लेवल है आपका काइनेटिक्स वाले एस्पेक्ट का किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स वाले एस्पेक्ट को स्टडी करने का मतलब ये है कि उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड और रेट को स्टडी करना और उस केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म को स्टडी करना। और क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज की स्पीड का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, स्पीड का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। अगर कोई किसी भी चीज की स्पीड है तो इसका मतलब उस चीज की क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक्स वर्ड होता है, ये काइनेटिक्स वर्ड जो आपका अराइज हुआ है वो आपका ग्रीक वर्ड काइनेसिस से अराइज हुआ है जिसका मतलब होता है मूवमेंट। क्योंकि हम काइनेटिक्स के अंदर स्पीड को डील करते हैं यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को डील करते हैं, इसीलिए हमने आपका इस एस्पेक्ट को किसी भी केमिकल रिएक्शन के क्या कहा है, काइनेटिक्स का है। काइनेटिक्स का मतलब होता है आपका काइनेटिक्स का वर्ड का मतलब काइनेटिक्स वर्ड जो आपका अराइज हुआ है वो आपका काइनेसिस से अराइज हुआ है और इसका मतलब होता है मूवमेंट। तो इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड वाले एस्पेक्ट को हमने आपका काइनेटिक्स वाले पार्ट से आपका रिप्रेजेंट किया है आपका, ठीक है। तो अब हम आपका डिस्कस करेंगे कि स्पीड के हिसाब से मेरी केमिकल रिएक्शंस का टाइप क्या होता है। स्पीड के हिसाब से मेरी केमिकल रिएक्शंस तीन टाइप की होती हैं आपकी, यानी कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के हिसाब से मेरी रिएक्शंस आपकी तीन टाइप की हो सकती हैं। पहली मेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरी मेरी स्लो रिएक्शन, तीसरी मेरी वो रिएक्शन जिनकी स्पीड आपकी मॉडरेट है, नीदर टू फास्ट नॉर टू स्लो। तो फास्ट केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जो एकदम से इमीजिएटली हो जाती है, यानी कि हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं और वो इमीजिएटली हो जाती है। और ये केमिकल रिएक्शन यूजुअली आयनिक रिएक्शन होती है। आयनिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को आपका मैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करूं तो आपका सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और साथ में सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनता है, यानी कि ये सिल्वर और ये क्लोरीन आपका रिएक्ट करके AgCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देते हैं और ये NO3 के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बना देता है। ये रिएक्शन मेरी क्या है, आपकी आयनिक रिएक्शन है, इसमें आयन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रिएक्शन इमीजिएटली हो जाती है, यानी कि जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप ऐड करते हो, वो इमीजिएटली सिल्वर क्लोराइड के आपके क्या बना देता है, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मेरी क्या है, फास्ट रिएक्शन है आपकी। स्लो रिएक्शन में आपका एग्जाम्पल है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग क्या होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन मेरी क्या होती है, स्लो केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है वो मेरी है मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, जिसकी स्पीड ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत ही कम है आपकी। इस आपका रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो आपका है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसको हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वो रिएक्शन है जिसके अंदर हम केन शुगर का आपका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसको हम डिटेल में आपका इस चैप्टर के अंदर आपका पढ़ेंगे। सो विद दिस हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स का ओवर हो रहा है। इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले
मैं आपका एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगी, वो है आपका डायमंड का एग्जाम्पल। क्लास आप जानते हैं कि डायमंड की एक आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है कि हीरा है सदा के लिए, यानी कि डायमंड इज फॉर एवर। तो ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट में जो वो स्टेटमेंट देते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे ये स्टेटमेंट मेरी गलत स्टेटमेंट है केमिस्ट्री के व्यू पॉइंट से, तो उसको हम आपका डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम आपका केमिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे, कौन सी, जिसमें डायमंड आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन का मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स दोनों वाला पार्ट आपका कंसीडर करूंगी। तो अगर मैं इसका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कंसीडर करती हूँ, तो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट मुझे बताएगा कि ये केमिकल रिएक्शन फिजिबल यानी कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है आपकी। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कि क्या वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, थर्मोडायनेमिक्स देता है। और कैसे देता है हमें, वो हमें देता है डेल्टा जी की हेल्प से, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से। अगर डेल्टा जी का साइन किसी भी रिएक्शन के लिए नेगेटिव है तो इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और वो आपकी हो सकती है। और अगर किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का साइन नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब वो रिएक्शन आपकी नहीं हो सकती है, क्योंकि डायमंड आपका जब ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपका डेल्टा जी का जो साइन है वो आपका नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जन आपका हो सकता है, यानी कि आपका डायमंड ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि डायमंड आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी आपका क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब हम आते हैं काइनेटिक्स पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा आपका क्या कि अगर ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है तो किस स्पीड से होगी, यानी कि किस रेट से होगी। और स्पीड और रेट के बारे में हमारा डिस्कशन कौन करता है, हमेशा करता है काइनेटिक्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्पीड की, यानी कि काइनेटिक्स की, इस केमिकल रिएक्शन के। तो यानी कि इस केमिकल रिएक्शन का काइनेटिक्स ये बताता है हमें कि ये केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो स्पीड से होती है, यानी कि बहुत ही स्लो रेट से होती है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि डायमंड आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट तो हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्लोली, बहुत ही स्लो रेट से आपका कन्वर्ट होता है। इतनी स्लो रेट से आपका कन्वर्ट होता है कि पूरे डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने के लिए पता नहीं कितने ही साल लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो जो ये आपका केमिकल रिएक्शन है ये इतनी स्लो रेट से होता है कि हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते कि ये केमिकल रिएक्शन आपका हो पा रहा है आपका, ठीक है। तो ये कहना कि हीरा है सदा के लिए, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा टाइम तो आएगा जब आपका पूरा हीरा जो है वो आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डायमंड इज फॉर एवर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्लियर। तो ये आपका था आपका काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट आपका इस केमिकल रिएक्शन का। एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन का थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट हमें ये बताता है कि वो रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है डेल्टा जी के साइन के बेस पर, ठीक है। लेकिन काइनेटिक्स वाला पार्ट हमें ये बताता है आपका कि अगर केमिकल रिएक्शन हो सकती है तो किस स्पीड से होगी, यानी कि किस रेट से होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी आपकी, ठीक है। सो विद दिस आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आपका केमिकल काइनेटिक्स का ओवर होता है, और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका एक्चुअल में जो हमारा चैप्टर है उसको हम आपका स्टार्ट कर देंगे।